दिल्ली गाजियाबाद अप डाउन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। किसान आंदोलन के कारण फरवरी महीने में जो पुलिस प्रशासन ने NH-24 पर नीचे की तरफ दीवार बनाई थी उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं यूपी गेट पर हूँ, यूपी गेट पर ही नीचे की तरफ ये NH-24 है ही जा रहा है, नीचे की तरफ का ये रास्ता है जहाँ पर फरवरी महीने में पुलिस प्रशासन ने दीवार बनाई थी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए। और ये जो दीवार है ये तोड़ दी गई है, और जिस तरह से तोड़ी गई है ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले एक दो दिनों में ये रास्ता जो है दिल्ली, ये रास्ता इधर से गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहा है और दिल्ली में यहाँ से एंट्री होती है, गाज़ियाबाद, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशाम्बी के लोग नीचे की तरफ से ही NH-24 से यहाँ से ही यूपी गेट से एंटर होते हैं दिल्ली में। तो ये जो है दीवार यहाँ तोड़ दी गई है, और जो पुलिस की तैनाती यहाँ पर भारी हुआ करती थी, बैरिकेड हुआ करते थे, वो भी यहाँ पर खोल दिए गए हैं। बस ऐसा लग रहा है कि बस ये मलबा उठ जाए तो ये पूरा रास्ता जो गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये NH-24 फ्लाईओवर से नीचे की तरफ से जो आप जो एंट्री करते हैं दिल्ली में, ये रास्ता पूरी संभावना है कि अगले एक दो दिनों में खुल जाए। अब दिल्ली की तरफ से जो रास्ता आ रहा है यूपी गेट पर, मैं उस पर हूँ। जो लोग दिल्ली की तरफ से वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद की तरफ जाया करते हैं उन लोगों के लिए ये रास्ता है। ये दिल्ली से आ रहा है, इधर से आप दिल्ली से गाज़ियाबाद में एंट्री करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये दीवार दिखाई दे रही है, अभी ये दीवार टूटी नहीं है, ये देखिए, ये रही ऐसी दीवार दूसरी तरफ थी जो तोड़ दी गई है। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, वो ये कि यहाँ पर बहुत भारी बैरिकेडिंग थी आगे, जो सब की सब हटा दी गई है। आगे पुलिस वाले भी हुआ करते थे यहाँ पर आगे आने से रोकने के लिए, वो सब भी हट गए हैं। अब केवल ऐसा लग रहा है कि बस ये जो दीवार बनाई थी ये अब तोड़ने की देर है, और अब कोई खास अड़चन जो है फिलहाल ऐसी नहीं लगती जिसके चलते यहाँ पर ये जो रास्ता बंद किया गया था, ये जो खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है कि ये प्रक्रिया अब रुके। दरअसल देश में अब चुनाव शुरू हो चुके हैं, किसानों के आंदोलन के बारे में ऐसी कोई अपडेट नहीं आ रही है कि किसान कह रहे हों कि हम दिल्ली कूच करेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि अब जो है सरकार के हाथ में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसानों की कोई मांग मानने की स्थिति में हो, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। तो इसलिए भी जो है, अब क्योंकि गाज़ियाबाद में वोटिंग भी होनी है, गाज़ियाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है, तो बहुत संभव है कि अब उसकी वजह से ये जो रास्ता बंद किया गया था किसान आंदोलन के चलते, अब उसको बहुत जल्द जो है खोल दिया जाए। यही स्थिति जो है आनंद विहार पर दिखाई दे रही है। आनंद विहार में भी जो दीवार बनाई गई थी वो भी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कम से कम जो दिल्ली गाज़ियाबाद अप डाउन करते हैं लोग, दिल्ली से गाज़ियाबाद जाते हैं या गाज़ियाबाद से दिल्ली आते हैं, उनके लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि गाज़ियाबाद में घुसना और वापस फिर दिल्ली में घुसना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पिछले महीने भर से ज़्यादा से हो रहा था। यूपी गेट से मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।